एक राजा 10 रानी, हाँ एक राजा 15 रानी, एक राजा 30 रानी। आज के समय में एक राजा एक रानी, साथ में 25 परेशानी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके द बॉयज ट्रिप टू राजस्थान के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। सबसे ज्यादा जो अभी तक मजे लिया गया है वो ये दो बंदे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा प्लान था 2 रात रुकने का, लेकिन बाइक ने इतना थका दिया। हमारी सलीना मोहब्बत जो देती है ना, वो मोहब्बत इतनी गहरी थी उसकी कि यहाँ पर हमें 3 रात रुकने का प्लान बनाया गया। ये बात ऐसी है कि आप बार बार ब्लॉग में बोलते रहते हो कि बाइक थकाती है, लोग सोचेंगे थक क्यों जाता है। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स बाइक राइड नहीं किया ना, तो आप ये सोचोगे, जिसने स्पोर्ट्स बाइक चलाया उसी को समझ में आएगा कि हाथ में दुखना क्या होता है स्पोर्ट्स बाइक पे। कल पूरा दिन मैंने रेस्ट लिया, पूरा दिन, यूं समझ लो कि पूरा दिन मेरा सोते और थोड़ा सा काम करते करते बीता है। लेकिन आज का दिन हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। कल ये लोग गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, मजे से एकदम एक्सप्लोर किए। हाँ, मस्त देखा मैंने, गोवा में भी यही दो निकले थे और हम दो यहाँ एडिटिंग पे लगे हैं, काम कर रहे हैं, मजे तो ये लोग ले रहे हैं। हमारा एडिटिंग वाला काम ऑलमोस्ट अभी कम्प्लीट हो गया था, हम घूमने निकल सकते हैं। मेरा भी रेस्ट लेके हो गया। कल जब मैं उठा था ना, तो ऐसे दिखा दो, मैं कैसे उठा था दिखाता हूँ। हम लोग इसको रिएक्ट करते, तुम पकड़ो। हाँ ठीक है, वैसे सो रहा हूँ, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सो रहे। हाँ, अब उठ जाओ, ब्लॉग एडिट करना है, 11-11 बजे डालने का है। मैं सो रहा हूँ पूरा दिन ऐसे ही गया। सुबह उठने के बाद मेरे हाथ ऐसे थे, अभी तो ठीक है, काफी सूजे हुए भी थे। जो मजे मैंने लिया ना, उस मजे के लिए इतना तो करना पड़ता है। तो पहले जब हम ट्रैवल करते थे ना, तो हमें एक स्टूडियो बनाना पड़ता था, जहाँ पर हम अपना गियर्स चार्ज वार्ज पे रखे एडिटिंग करें। तो स्टूडियो हमने यहाँ बनाया, ये 2 कुर्सी को रख दिया, चार्जिंग वार्जिंग सब सेटअप यहाँ पर है। लेकिन अभी से ट्रैवल में एक चीज और हमने ऐड ऑन किया है, किचन। इस टेबल को हमने किचन बनाया है, यहाँ पर हमारे फ्रूट्स प्रोटीन वगैरह सब यहाँ पर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइफस्टाइल में चेंजेस हमने किया है, तो ये 2 चीज अभी कंपलसरी है, पहले एक थी अभी 2 हो गई। यहाँ पर वैसे हमने जिम सेटअप बनाया था, ऐसे क्या करता है। यहाँ पर जहाँ पर भी रुकेंगे ना, तो थोड़ा ऐसे रजवाड़ा वाला फीलिंग है, बिकॉज राजस्थान मतलब आप समझ रहे हो, राजा का स्थान, तो इसीलिए राजस्थान। हम राजा के स्थान में हैं, बाथरूम भी राजा जैसे बड़ा है। आज का हमारा यहाँ पर 2रा दिन है। कल ये 2 लोग जब घूमने गए थे, तो हमारे एक सब्सक्राइबर मिले थे दीपेंद्र, उन्होंने काफी इनकी हेल्प की थी, और उन्होंने सुबह सुबह हमें ब्रेकफास्ट लाके दिया है। ब्रेकफास्ट में था कचौरी और कटलेट्स दिया इन्होंने, तो खा लिए, अभी हम खाएंगे और फिर हम निकलेंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बाहर निकलने का टाइम हो गया है आपको। हाँ, ग्लव्स नहीं चाहिए, इनसे मिलिए। ये है भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र, और ये है लोकेश, ये गाइड है, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आज पूरा का पूरा जैसलमेर हमें यही घुमाएंगे। कल मिले थे, लेकिन कल हम व्लॉग नहीं कर रहे थे, और इन्होंने कल हमारे बंदों को घुमाया, आज हमें घुमाएंगे। कल पूरा दिन हमारी सलीना आराम की है, हमने भी पूरा दिन आराम किया है, आज जाके रिकवरी हुई है। और ये सामने है हमारे जैसलमेर फोर्ट, तो हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे। ये हिंदुस्तान का एकमात्र फोर्ट है जिसे लिविंग फोर्ट कहते हैं, मतलब ये ऐसा फोर्ट है जिसमें लोग अभी भी रहते हैं। और ये ट्रिपल सीट, लोकेश भाई, शफीक और गौरव जी। जैसलमेर को स्वर्ण किला भी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं जैसलमेर को। और यहाँ पर हमें फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं, और ये हम किला के अंदर प्रवेश करते हुए, सब गोल्डन गोल्डन। वाह, क्या दृश्य है। तो यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये मेरा सेकेंड टाइम है। जब भी आते हैं यहाँ पर नया नया सा फील होता है, टूरिस्ट भी काफी हैं। ये राजा रानी महल है ना, ये जो ओपन कोर्टयार्ड है, इस ओपन कोर्टयार्ड को बोला जाता है दशहरा चौक, बिकॉज दशहरा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बैक साइड में देखिए, वेरी ब्यूटीफुल बालकनी। सेंटर में देखोगे तो 99 फ्रंट साइड ऑफ पीकॉक बना है भैया, जिसको बोलते हैं नेकलेस का डिजाइन। राजा का पार्ट ओपन है, रानी का पार्ट क्लोज्ड है, बिकॉज ऑफ अ कर्टन सिस्टम। ये किला जो बना है, ये बिना सीमेंट, बिना चूना और बिना पानी बना है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, स्टोन के अंदर स्टोन से लॉकिंग इंटरलॉक है। और ये जो फोर्ट है 850 साल पुराना है, और अभी जो राजाओं का जनरेशन चल रहा है वो 44th generation चल रहा है।
तो ये जो फोर्ट है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ ब्राह्मण लोग रहते हैं और एक तरफ राजपूत लोग रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो है वो प्योर वेज है, ये जो है ये नॉन वेज है, ये लोग नॉन वेज खाते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राजपूत एरिया में। तो राजा रानी महल हमने बाहर से ही देख लिया। लोकल हाउसेस है, न्यू कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जितने भी लोग रहते हैं किले के अंदर सब लोग फ्री रहते हैं, बिकॉज ऑफ ओल्ड टाइम के जनरेशन लोग थे, वर्कर्स लोग थे राजा महाराजाओं के। तो आज जो इनका है 9th और 10th जनरेशन रहता है। आपको मैंने एक थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मैंने आपको कहा था कि ये अकेला लिविंग फोर्ट है, नहीं, फर्स्ट जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा ये है। तो ये दूसरा लिविंग फोर्ट है, ये जो पेंटिंग गणेश जी की बनी हुई है ऐसे और भी घरों में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है ओपन इन्विटेशन, तो जिनके घरों में नई शादी होगी ना तो वैसे पेंट करेंगे, वहाँ पर डेट लिखा जाएगा, तो वो ओपन इन्विटेशन माना जाता है, मतलब वहाँ पर हम भी जा सकते हैं। अभी कहीं है शादी हम ओपन? यस बिल्कुल, कहाँ आप बोलो तो मैं आज कर लूँ। ये बढ़िया लगा मेरे को यार। और हमारे हर घरों के बाहर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक थ्रेड देखने को मिलेगा, ये बुरी नजर से बचाने के लिए लगाते हैं। जैसे आपने डायलॉग सुना होगा ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ पर कोई बेगाना शादी नहीं, यहाँ पर सब अपना सब अपना सब सब की शादी में जा सकते हो, यहाँ पे सब अब्दुल्ला है। तीन रीजन है चौक को ओपन करने के लिए, बिकॉज ओल्ड टाइम पे क्या था, लाइट का सिस्टम नहीं होता था, तो सूरज दादा का रोशनी पड़ता था दादा। सेकंड क्या रहता था कि चौक ओपन रहता था तो फ्रेश विंड आता था। थर्ड में क्या, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, बाय द वे कभी अच्छा लक हो तो बारिश आ जाए तो हम लोग बारिश को स्टोर करते थे पानी, क्योंकि हमारे शहर में कहावत फेमस है, खाना मांग लो ओपीएम मांग लो पानी मत मांग, ओपीएम भी मांग लो मिलेगा। मैंने ऐसा मतलब पढ़ा था कि राजस्थान में पानी की जब बहुत दिक्कत हुई थी ना, तो जैसलमेर में जो गड़ीसर लेक है तो उसी लेक से पूरे जैसलमेर को पानी दिया जाता था। अभी हम जैसलमेर के फोर्ट के एक घर के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। चप्पल उतारना पड़ेगा अपने को, हाँ। अरे वाह, यहाँ से पूरा सिटी व्यू है। वो है गड़ीसर लेक, वहाँ पर भी हम जाएंगे क्योंकि उसकी भी बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है। जैसे कि लोकेश भाई ने बताया है कि आप खाना मांग लो ओपीएम मांग लो पानी नहीं, पानी बहुत कीमती है यहाँ पर। ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, हाँ। वो अंतिम स्टेशन है इंडिया की तरफ से, हाँ। अंतिम है क्योंकि यहाँ से 120 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इससे आगे कोई न ट्रेन जाता है न बस जाता है। पटरी भी यहाँ तक इनफ है, लास्ट यहाँ तक पटरी, पटरी भी नहीं बनी। जैसलमेर लास्ट स्टेशन, पूरा छोटा शहर है, कोई प्रकार की फैक्ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, 80% जो लोग है टूरिज्म पे डिपेंड है और 0% क्राइम है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक तोप रखा हुआ है, तोप के पास लोग बैठे हुए हैं। पूरे किले के अंदर चार तोप है, चार तोप है, चार की सबसे बड़ी जो तोप है वो जोधपुर में स्थित है, नारगढ़ फोर्ट पे, चार कोने में चार तोप है, वो तोप के ऊपर बैठा हुआ है अंकल जी, पता नहीं कितने रेंजर से खेल। तो अभी हम गए थे ईस्ट साइड में, अभी हम जा रहे हैं वेस्ट साइड में। तेरी बीस बाइक की आवाज की वजह से डर रहे हो लोग, हाँ देखते हो सही है, हाँ बना रहे आप आ गए व्लॉग में, हाय कर दो। जैसलमेर के फोर्ट की गलियों में हम घूम रहे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर गाड़ियां नहीं आती है, बाइक जो है वो निकल जाती है। अभी यहाँ वापस आ गए हम राजा रानी महल के पास, थोड़ा हम और जाएंगे और गलियां घूमेंगे। वाह ये गली ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मेरे को, ये गली में आया हूँ मैं, पहले भी आया हूँ, ये गली ज़्यादा हैपनिंग है, यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स हैं। और ये सामने मंदिर, क्या घर बनाया है यार, फुल ऑन एकदम राजाओं वाला फील है। तो अभी हम हैं ब्राह्मण एरिया में, पहले हम गए थे राजपूत एरिया में, अभी ब्राह्मण एरिया। वाह क्या बात है, पर हमारे पास जूम लेंस है, आपको जूम लेंस से दिखाएंगे कि जो एक्चुअल में भी राजा रानी रहते हैं वो वाला जगह है, वो छोटा सा काफी खूबसूरत नजारा, मजा आ रहा है कि नहीं, बढ़िया लग रहा है। गोवा ज्यादा बढ़िया है जैसलमेर, जैसलमेर वहाँ मजा है, यहाँ पे जहाँ पर है वहाँ पर, हाँ वहाँ पर क्या है वहाँ मजा है, वहाँ पर रशियन मिली ना देखो, यहाँ रशियन है लेकिन देखना पड़ेगा, मजा आ रहा है। चलो भाई, भाई लोग को भी मजा आ रहा है, अपने को भी मजा आ रहा है। यहाँ पर हमने कॉफी ऑर्डर किया तो कॉफी आएगा, कॉफी पी के फिर हम निकलेंगे। हमारी कॉफी आ गई, आप लोग की चाय वाय सब आ गई। शफीक किधर है? Cheers, boys. Cheers. Boys. The boys trip to राजस्थान के नाम जैसलमेर के नाम।
वैशाली है। अभी हम फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के खाना खाएंगे लंच, क्योंकि अभी 3 बज गए। एकदम रंग बिरंगी गलियां। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, उदयपुर को व्हाइट सिटी और लेक सिटी भी कहते हैं, और इसको गोल्डन सिटी, तो इसीलिए रंगीला राजस्थान। रात को यहाँ पर अच्छी खासी ठंडी होती है, बट दिन में थोड़ा गर्म रहता है, बट उतना भी गर्म नहीं है, मैनेजेबल है। ये आ गए बाहर, सब घरों में एक जैसा ही डिज़ाइन है और वो डिज़ाइन है राजाओं वाला। मिलन भाई के पास हम खाना खाएंगे। बंद हो गया क्या? पहले तो मेरे को सिखा क्या रोटी वाला सीन करते हैं। हाँ, बटर चिकन रोटी रोटी, बटर चिकन पनीर मसाला क्या है कुछ भी है। बटर चिकन दिस इज रोटी, रोटी दिस इज बटर चिकन दिस इज रोटी, बटर चिकन दिस इज रोटी, रोटी दिस इज बटर चिकन, पनीर मसाला दिस इज बटर चिकन दिस इज पनीर मसाला, रोटी पनीर मसाला। ओके जी, बिस्मिल्लाह करो। चलो हो गया। ऑलराइट, खाना पीना खा के हो गया, खाना एकदम बढ़िया था। जैसलमेर पहुंचने के बाद हमने जितना भी खाना खाया सबसे बढ़िया खाना यहाँ पर हमें मिला, थोड़ा सा स्पाइसी था बट मजा आ गया। मिलन रेस्टोरेंट याद रखिएगा, एक बार आके खाना खा के देखिएगा, रिकमेंडेड बाय MSK। अभी हम जा रहे हैं गढ़ीसर लेक के पास और ये मेन चौराहे में आ गए और ये हमारा गैंग से वसीपुर का गैंग। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला। ये है लेफ्ट साइड में गढ़ीसर लेक, तो यहाँ पर भी मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर भी हमने फोटो वोटो खिंचाए थे। और आसपास ये सब लेदर के आइटम्स, ये तेरी ले काट। यहाँ से एंट्री नहीं, तो वहाँ पर अगर आपने बोट की टिकट लिया तो ही अंदर एंट्री मिलेगी, लेकिन हमें अभी बोट राइड करना नहीं है बिकॉज बहुत धूप है। इतने धूप में बोट राइड करेंगे तो जल के खाक हो जाएंगे, इसीलिए हम इस तरफ आए हैं ताकि थोड़ा लेक अच्छे से दिख जाए हमें। ये है गढ़ीसर लेक, वेरी फेमस, बहुत अच्छी हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पर जो डोम होता है ना, ये डोम को यहाँ छतरी कहते हैं, तो अभी इसके बाद हम जाने वाले व्यास छतरी, वो भी बहुत अच्छी जगह देखने लायक है, तो वहाँ पर हम जाएंगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो लेक में मछलियाँ हैं इनको बाहर निकालेंगे, नेकी कर दरिया में डाल। कैटफिश है, पूरी कैटफिश है, ये मछली पकड़ेंगे। यार हाथ में छूट गया, फिसल गया। अरे अभी दर वो पहचान गए। आपको मैं ना चैटिंग करूंगा, आप मुझे। हाँ, बाकी बात आप कमेंट करना, आप बोलना यहाँ गढ़ीसर लेक से आपसे बात हुई थी, डालो ना MSK। भूपेंद्र भाई, इसमें मेरे को पेट्रोल भराना है, पेट्रोल। चलो गढ़ीसर लेक देख के हो गया, मछली को खाना खिला दिए, पकड़ने की कोशिश किए, पकड़ नहीं पाए, काफी स्लिपरी थी, एक मछली तो हाथ में आ गई थी। अभी हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आपको पहुंच के बताएंगे। और ये कैमल, ये राइट साइड में जैसलमेर सिटी, द गोल्डन सिटी, स्वर्ण किला, कितने नाम है इनके, स्वर्ण नगरी। फुल कर दीजिए, ये देखो मस्त टुकुटुकू चल रहा है। सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है राजस्थान में, सबसे खतरनाक गर्मी होती है राजस्थान में। ऐसे राजस्थान में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो सिर्फ राजस्थान में ही होती है। पहुंच गए। गौरव जी की नॉलेज हम टेस्ट करने वाले हैं। गौरव जी, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत गणेश जी ने। किसने लिखा था महाभारत? महाभारत लिखा था वो तुलसीदास जी ने। वेद व्यास का किसने नाम सुना है? उन्होंने लिखा नहीं था। हाँ। उन्होंने बोला था। हाँ। और जो उसको लिखने का काम है ना। हाँ। वो गणेश जी ने किया था, क्योंकि इतनी बड़ी महाभारत थी कि उसको लिखना असंभव था एक हाथ से। ये जो व्यास है तो ये मतलब उनको डेडिकेटेड है बेसिकली। इसको व्यास क्षत्रिय मतलब एक सेमेट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ब्राह्मण जैसलमेर से होते हैं जिनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनको यहाँ लेके आते हैं। ये जो आप ऊपर डोम दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डोम को छतरी कहते हैं, तो यहाँ पर है वो सेमेट्री। रीति रिवाज के अनुसार शव को यहाँ जलाया जाता है और जो भी उसमें से बचता है तो वो अलग अलग लोगों की मान्यता के हिसाब से अलग अलग जगह पे उसको बहाया जाता है। मोस्टली गंगा में लोग बहाते हैं और उनकी याद में फिर ये ऐसे छतरी डोम बना दिया जाता है। ये जो व्यास छतरी है यहाँ पर नाम लिखा गया है। ओके, व्यास छतरी देख के हमारा हो गया। अभी हम जा रहे हैं बड़ा भाग और ये खूबसूरत सा रोड रेस ट्रैक।
मोर है वहां पर भाई, मोर दिख गया हमें, सबको भगाऊं क्या? मैं मोर को डरा रहा था, आर्या डर गया। तेरा आया है, स्लो मोशन में डालना। अभी तो खांसी आ रही है। एक तो रात को सोते टाइम ये डरता है, एक हम लोग जब हॉस्पिटल में रुके थे तब डरा था, ये जब जब डरता है ना मेरी आंखों में इसका चेहरा बस जाता है और वो हमेशा याद आता है। अब एकदम बढ़िया लग रहा है मेरे को बाइक चलाने में, अब कोई हाथ में पेन वेन नहीं है। वो इतना लंबा राइड करने के बाद ना अपने को एक रेस्ट चाहिए था पूरा दिन का, वो कर लिया हमने। और ये सामने बड़ा बाग, व्यास छतरी से ज्यादा बढ़िया ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ज्यादा छतरियां हैं, मतलब ज्यादा डोम्स, और यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट भी है। पहुंच गए, ये आ गए हम बड़ा बाग। इससे पहले जहाँ हम गए थे व्यास छतरी, वहाँ पर ब्राह्मण लोग का अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर जो रॉयल फैमिली से कोई गुजर जाता है तो उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है, और फिर उनकी याद में ये डोम बनाया जाता है, छतरी बनाई जाती है। ये वाला जो सेंटर वाला जो देख रहे हो बीच वाला, हाँ हाँ, ये जो अभी 43rd वाले जो राजा एक्सपायर हुए थे ये उनका। अब जब इनका जो बेटा है वो भी करंट में राजा है, उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटिया। अब जब वो शादी करेंगे और उनका जब पोता होगा तब वो जो है छतरी बनाएंगे। जैसे अभी एक छतरी जो है वो डेडिकेटेड एक राजा की, एक राजा की, उनके फैमिली में बस बच्चे बच्चे रानियां वानियां सबका साथ में। ऊपर से देखते हैं सनसेट भी हो रहा है। हाँ गौरव जी, क्या दिख गया आपको? हाँ पे एक मेरे को दिखा कि हाँ। राजा एक है और उनके 8 रानियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर है, 2 इधर, 8 और ये राजा जी। ये सच है? ये बिल्कुल सच है। जो राजा है, जो रानियां उनकी है जी, तो वही छतरी में उनका, छतरी में रहता है। कई बार क्या होता है जैसे युद्ध में जाते हैं हाँ। तो रानियां जो है वो जौहर में कूद जाती है, तो उस रिगार्डिंग ये सब बनता है। ये जो राजा साहब थे He was living the life, living the dream. एक राजा 10 रानी हाँ। एक राजा 15 रानी, एक राजा 30 रानी। आज के समय में एक राजा एक रानी, साथ में 25 परेशानी। तो बड़ा बाग भी देख के हमारा हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा लोकेश भाई, अगर जैसलमेर आ रहे हो ना, अगर ये बंदा मिल गया ना, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा संभाल लेगा। तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, इनको कॉल करके मेरा नंबर मत मांगना, ये आपको देंगे नहीं। देंगे आप नंबर? नहीं नहीं, आपका नहीं देंगे। अच्छे कर्म है आपके भी, अच्छे कर्म है जो अपन इस शहर के अंदर मिल पाए, वरना आप जैसे बड़े लोगों से मिलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात होती है। हम छोटे शहर के व्यक्ति है, आप बहुत अच्छे लोग मिले हम लोगों को जिंदगी में, मिलाने के लिए एक जरिया होता है, जरिया होता है बस मालिक की, भूपे भाई, बस भूपेंद्र भाई ने। बाकी आपका कभी भी जैसलमेर आना हो, आप एज आओगे टूरिस्ट की तरह, यहाँ से यादें लेके जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है फ्रॉम माई हार्ट। एकदम बढ़िया हो गया यार, जैसलमेर का फील आ गया। यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक लोकल बंदा है ना, तो वो लोकल वाला फील आ जाता है। अब जब लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तो हमारे साथ कोई लोकल गाइड नहीं था, तो बस हम यहाँ वहाँ गए, बट वो फील नहीं आया, क्योंकि ये लोग ना यहाँ की ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, और चीज़ें होती है ना, ऐसी कहानियाँ होती है, आप सुन के बोलते हैं वाह। फिर जब कहानी सुनने के बाद उस मॉन्यूमेंट को आप देखते हो ना, तो फिर आपका नज़रिया बदल जाता है। उई माँ, इसको तो बहुत ऑफ रोड करवाया मैंने। पहुंच गए अपने वापस होटल, और 1, 2, 3 ये तीनों लोग फर्स्ट टाइम जैसलमेर आए। कैसा रहा जैसलमेर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 10 में से कितना? 9, 9। और बहुत एंजॉय किया हमने। तो जैसलमेर की कहानी यहां पर होती है समाप्त। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। लेवल आई लिव ड्रीम। हाँ, कैमरा छोड़ के जाने वाले थे। पकड़ लोगे मंदिर के सामने दान कर रहा है कैमरा।